हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर कनेक्टेड विद आर के शिवाज फॉर मैथमेटिक्स 10+1। चैप्टर नेम इज सेट्स। आज फिर चैप्टर सेट को आगे बढ़ा रहे हैं हम। क्या है इस पे क्वेश्चन उठाते हैं कार्डिनल नंबर के लिए। इफ सेट ए ए बी सी डी ई, अगर सेट ए के एलिमेंट ए बी सी डी ई कोमा के सारे अलग अलग कर रखा है हमने इनको, देन नंबर ऑफ ए यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या बन जाएगा? 5। अगर किसी सेट में ए बी सी डी ई एलिमेंट हैं तो एन ए का पता लगाने के लिए कहा है, तो क्या लिखोगे आप उसको? 5। कैसे? क्योंकि काउंटिंग में देखोगे यहां पर 5 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5 लिख दोगे। अब कहा गया इफ सेट ए 3, 5, 7, 9 उसके एलिमेंट है, बी के एलिमेंट 3, 4, 5, 6 हैं। आर दिस सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट? मैं इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहा हूं। क्या इक्विवेलेंट सेट है? ये इक्विवेलेंट सेट कौन से होते थे? इक्विवेलेंट सेट वो होते थे जिनकी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो लिख देंगे यस। क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसलिए ये जो दोनों सेट हैं इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे। इफ सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, फाइंड द सबसेट ऑफ सेट ए। तो अब सबसेट कैसे पता लगाते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट चैप्टर के लिए। तो ए के सबसेट बनाने जा रहे हैं हम। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 5, जिसको आप नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट बोलते हैं। उसके बाद एक एक एलिमेंट उठाऊंगा, अकेला 1 उठाया, अकेला 2, अकेला 3। ध्यान रखना बिना ब्रैकेट के, बिना करली ब्रैकेट के कोई भी सेट नहीं होता, केवल एक ये जो नल सेट होता है वो 5 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप इसको करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज करके भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई एक लिखना है, ठीक है? तो एक एक एलिमेंट मैंने उठाया 1, 2, 3, उसके बाद 2-2 उठाऊंगा, 1, 2 को, फिर 2, 3 को, फिर 1, 3 को। 2 के पेयर होने के बाद 3 के पेयर, 1, 2, 3 अकेला है, रख दिया। हाँ, इनको आगे पीछे लिखने से, सीक्वेंस बिगड़ने से कोई मतलब नहीं होता, आंसर गलत नहीं होगा। इसको 3, 2, 1 लिख दो तब भी वही होता ये सेट। तो अब ये जो बने इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या चीज है? इसके सबसेट है। किसके? सेट ए के सबसेट है। मेक क्रेक स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट नॉट सबसेट इन ब्लैंक प्लेस स्पेसिस। ये जो स्पेस यहां पर मिलेंगे आपको, यहां पर डालना है ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या है? सबसेट है। तो कैसे पता लगेगा? 2, 3, 4 एलिमेंट सारे के सारे इसके अंदर होने जरूरी हैं, तो 2, 3, 4 हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए सबसेट है। एबीसी, अगर एबीसी सेट के अंदर है तो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। तो ए इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये जो है सेट इस सेट का सबसेट नहीं है, इसलिए हमने मना कर दिया कि सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। आगे है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल की 11वीं क्लास का जो बच्चा है वो बच्चे हैं एक्स। और दूसरा सेट है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहां जो सेट बना है, पहले सेट में तो आपकी क्लास के बच्चों के नाम थे, दूसरे सेट में आपके स्कूल के बच्चों के नाम है। तो जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, क्या उस जो आपके क्लास के बच्चे हैं क्या वो स्कूल में नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्लास वाले स्कूल में है तो वो सबसेट बन जाएगा क्लास, बट स्कूल जो ना क्लास का सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लिखा दिस इज सबसेट ऑफ दिस। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस सेट में कौन है? इवन नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। यहां कौन है? एक्स इज एन इंटीजर, यहां इंटीजर है। तो इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, तीन तरह के होते हैं, इसमें केवल और केवल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर बोलते थे। इसका मतलब ये सबसेट है इसका, तो हमने भी सबसेट डाल दिया।
फाइंड ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, क्या निकालना है प्रॉपर, वहां क्या था सबसेट था, यहां पर प्रॉपर सबसेट। तो वो प्रॉपर में और सबसेट में क्या फर्क होता है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एक ही चीज का फर्क होता है, वो खुद वो सेट नहीं आएगा सबसेट के अंदर। अगर मैं इस सेट को हटा देता इसमें से तो ये बाकी जितने बच गए सारे के सारे प्रॉपर सबसेट के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए यहां पर देखिए उस चीज को, तो एबीसी वही तीन एलिमेंट है, तो सबसे पहले नल सेट लिखोगे जिसको फाइव से डिनोट कर सकते हो, फिर एक एक करके सेट बनाओगे, ए लिखा बी लिखा सी लिखा, फिर दो दो का पेयर बना लो, ए बी का बी सी का ए सी का। उसके बाद तीनों का नहीं रखूंगा क्योंकि तीनों में तो खुद ए आ जाएगा अकेला यहां पे, और वो खुद सेट हमने लाना नहीं है, कम से कम एक तो एलिमेंट उसका कम हो उस सेट में तो ही उसका सब, सब मीन छोटा, तो ऐसा कोई जो उससे छोटा हो, तो इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ कम होना जरूरी है। तो ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये इस नीनी के इस ए सेट के सबसेट हैं, वो भी प्रॉपर सबसेट बोल देंगे हम इसको। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर लेस देन इक्वल टू सिक्स। तो इसको हम लिखेंगे माइनस फोर छोटी ब्रैकेट के साथ प्लस सिक्स बड़ी ब्रैकेट के साथ, क्यों, क्योंकि जहां भी यहां इक्वल का साइन आएगा तो बड़ी ब्रैकेट, इक्वल का साइन नहीं आएगा तो छोटी ब्रैकेट, ये इंटरवल में लिखा जाएगा। ओपन क्लोज, यहां माइनस ट्वेल्व से ग्रेटर है एक्स की वैल्यू, माइनस टेन से लेस है, इसका मतलब माइनस ट्वेल्व और माइनस टेन कोमा के साथ लगा के ओपन इंटरवल में आएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि इक्वल किसी के साथ नहीं है। राइट, माइनस थ्री कोमा जीरो ओपन इंटरवल एंड क्लोज माइनस ट्वेंटी थ्री साथ फाइव के साथ ओपन, इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले माइनस थ्री जीरो को लिखूंगा, एक्स सेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, क्या चीज है रियल नंबर है इनके बीच में, कहां से कहां तक है माइनस थ्री से जीरो के बीच में, माइनस थ्री इंक्लूड नहीं कर रखा है, जीरो भी इंक्लूड नहीं कर रखी क्योंकि छोटी ब्रैकेट है तो ओपन इंटरवल के साथ इक्वल का साइन नहीं आएगा। और दूसरी जो थी माइनस ट्वेंटी थ्री क्लोज के साथ फाइव ओपन के साथ, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि आर का मतलब रियल नंबर, और एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी थ्री लेस देन फाइव, ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन क्योंकि क्लोज इंटरवल जो था फाइव के साथ केवल और केवल लेस लिखा जाएगा, एक्स इज लेस देन फाइव। आगे देखते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, लिस्ट बनानी हमने, पहला सेट दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स में कौन है नेचुरल नंबर, तो कैसे लिखेंगे लिस्ट के अंदर, ए इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट वन कोमा टू कोमा थ्री अप टू लगा के सोन और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये सेट बन जाएगा जो कि हम रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, एक्स क्या चीज है लॉयल वर्ड का लेटर है, तो उसको हमने लिस्ट में कैसे देंगे, तो L लिखेंगे O लिखेंगे Y लिखेंगे A लिखेंगे, दोबारा से L नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डबलिंग का कोई मीनिंग नहीं आता, एक से ज्यादा बार कोई भी लेटर नहीं लिखा जाता, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता किसी सेट में, तो L O Y A ये एक सेट बन गया जो कि आपने लिस्ट दे दी एलिमेंट्स की। तो आज के लिए होमवर्क रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन और सेट्स, स्टूडेंट हु योर क्लास, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हु पास द लास्ट एग्जाम, आपने लास्ट टाइम जहां भी एग्जाम पास किया उस क्लास के बच्चे, क्या आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, सेट है या नहीं है, यानी कि वेल डिफाइन अगर होगी वो तो ही आप कहोगे सेट है, वेल डिफाइन नहीं होगी तो नहीं कह पाओगे। अब उन बच्चों के नाम तो आप बता ही सकते हो जिनके साथ आपने पिछली परीक्षा दी थी, यानी कि आपकी क्लास के अंदर आपके स्कूल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो क्लास के अंदर थे आपके उन बच्चों के नाम तो आप बता ही सकते हो, चाहे वो रजिस्टर में देखना पड़े। नेक्स्ट है, तो इसलिए मतलब ये क्या था, फर्स्ट सेट है, सेकेंड है नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में नेचुरल नंबर, क्या ये
वेल डिफाइन है बीच के बीच में नेचुरल नंबर का मैं पता लगा सकता हूँ कौन कौन है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो वो क्या रहेगा, नेचुरल नंबर है जो कि 10 और 20 के बीच में है। इसका मतलब इट इज ए सेट। अच्छा जी, गुड बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, उन किताबों के नाम लिखने हैं सेट के अंदर जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी में अच्छी बुक है, गुड बुक है। अब शायद आप सोचना शुरू कर दोगे कि इस गुड बुक्स कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, गुड जो है एक वर्ड जो लिया गया यहां पे वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब गुड का मतलब क्या है, कौन सी अच्छी होती हैं, किताबें तो सारी अच्छी होती हैं, वो तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ सेट। ऑल टॉल बॉयज इन अ स्कूल, उन बच्चों के नाम लिखने हैं जो बड़े हैं, टॉल बॉय इन योर स्कूल। अब टॉल का मतलब क्या है, आप 5 फीट के बच्चे को टॉल कहोगे, 6 फुट के बच्चे को टॉल कहोगे, या 7 फीट वाले बच्चे के टॉल कहोगे, नहीं, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। अगर वो कह देते लिस्ट ऑल द स्टूडेंट और ऑल द बॉयज हु आर टॉलर देन 5 फीट, जो 5 फीट से बड़े हैं, तो वो तो ठीक था, बट यहां पर देखो टाल का मीनिंग क्लियर नहीं है, किसको टाल कह रहे हो, इट इज नॉट अ सेट। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, कैसे करोगे, यानी कि लिस्ट देनी है आपने, तो लिखा जाएगा ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो कहता है एक्स की वैल्यू 24 से ग्रेटर है, 30 से लेस है, 30 को इंक्लूड किया जाएगा, 24 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेचुरल नंबर में 24 और 30 के बीच कौन आ रहे हैं, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 भी आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है, बस सेट बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ एक्स वोल नंबर है जो कि 7 से लेस रहेगा, तो मैं बता दूं आपको ये फाइनाइट सेट नहीं रहेगा, या रहेगा तो पर्सन क्या रहेगा आपका, हाँ या ना, तो है, कैसे है, क्योंकि वोल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू चला जा रहा है, इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स बिलोंग टू जेड का मतलब इंटीजर होता है, तो जो माइनस 3 से ग्रेटर हो, 4 से लेस हो, 4 को इंक्लूड कर सकते, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे नेगेटिव वाले को, तो यहां पर माइनस 2 माइनस 1 0, 1, 2, 3, 4 आंसर में आ जाएगा। डी, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 48, एक्स के अंदर वो लिस्ट देनी है, वो एलिमेंट रखना है जो 48 के फैक्टर में आते हैं, मतलब जिससे ये डिवाइड होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, मतलब जिस चीज से ये डिवाइड होता है 48 वही आपके आंसर में आ जाएंगे। डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, अभी सेट बिल्डर में देना है क्या रहेगा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन, क्या लिखोगे यहां पे, लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 क्योंकि 6 तक गया नेचुरल नंबर, यहां पर भी x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर लिखोगे, ये कौन आएगा, x बिलोंग टू इंटीजर, और कहां तक है, एक्स की वैल्यू -6 से स्टार्ट है, +1 तक चली गई है। इसी तरीके से इनको भी ट्राई करना, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, इसमें लिस्ट देनी है आपने, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर कौन सा होता है, ओड भी हो नेचुरल नंबर भी हो, बी में क्या चीज है, एक्स इज एन इंटीजर, जो कि शर्त रखी इंटीजर के लिए क्या, -1/2 से 9/2 के बिटवीन रहेगी, यहां पर आ जाएगा जैसे 0, 1, 2, 3, 4 बस। ए सेट के एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, 7 बिलोंग टू ए, क्या 7 इसमें, अगर इसमें से वो एलिमेंट उठा रखा तो बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, तो ये बिलोंग करता है, 0 डज नॉट बिलोंग लगा दोगे, 2 डज नॉट बिलोंग लगा दोगे, 5 बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है,
थैंक यू।